थ्री स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए। जहाँ की मेरे पहले के सभी वक्ताओं ने यहाँ पे बताया कि चुप बैठना नहीं चाहिए, जहां जहां अन्याय होता है, जहां जहां इनजस्टिस होता है, वहां वहां पे आपको पूरी ताकत के साथ खड़ा रहना चाहिए और आपके आपके साथ कंधे पे कंधे मिला के हम लोग आपके साथ तैयार है। हमने आपको फोन नंबर भी दिए है, हालांकि यहाँ आपके बहुत ही करीब हमारे पुलिस स्टेशन भी है। और मैं चाहता हूं जब भी ऐसी कोई घटनाएं यहाँ पे घटती है, कोई ऐसे दादागिरी यहाँ पे आके करते हैं, कई ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, हालांकि वो गवर्नमेंट के सर्वेंट हो या कोई अलग ही किस्म के इंसान यहाँ पे आते हो और आपको अलग अलग नाम पर अगर आपको लूटना चाहते हैं और आपके साथ कोई गैर व्यवहार करना चाहते हैं, आपको तुरंत पहली बार फोन करना चाहिए। जैसे पहले मेरे वक्ताओं ने कहा कि हम किसी पायरेसी के बारे में पायरेसी का सपोर्ट यहाँ पे करने को नहीं है, लेकिन जो व्यापारी यहां नेक इंसानियत से काम कर रहा है उन्हें तो काम करने दो। उन्हें भी आप अगर आज सताने के लिए यहां पे आए हैं, सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए यहां पे आ रहे हैं, और पैसा किस किस सोर्सेस से आप यहां पे कमा रहे हैं, उनको धमकियां देकर, उनको झूठे झूठे बातें बनाकर आप उनसे पैसा लेते हैं, तो ये साफ साफ गलत है। और इसके लिए आपको सबको साथ में रहना चाहिए। जैसा इन्होंने अंगूर की बात की, सही है, अंगूर अगर एक छोटा छोटा बाहर बेचा तो उसकी कोई कीमत नहीं है, अगर एक ही टोकरी में अंगूर पूरा इकट्ठा कर बेचा तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ती है। कि यहाँ पे मैंने जहाँ पे डोंडी बाजार बोलो, पायधुनी बोलो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा मैंने जाके आया, मैंने देखा मुसलमान भाइयों में आज भी मैं अगर बोलूं तो बहुत ही बेरोजगारी है, एजुकेशन की लैक ऑफ एजुकेशन वहां पे है, एजुकेशन नहीं है। और मैं चाहता हूं हम सब साथ मिलकर ये एजुकेशन के लिए और ये बेरोजगारी के लिए साथ में काम करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए, और ये करते करते हमको व्यापार में भी हमको साथ में साथ देना चाहिए। यहां में जैसा मैंने कहा कि व्यापारी लोग यहां पे बहुत है, मेरी जानकारी में इस मुसाफिर खाना और मनीष मार्केट के आजू बाजू में कम से कम 8 से 10 हजार गाले है व्यापारी के, 8 से 10 हजार, ये तो रिकॉर्ड है, इतने गाले यहाँ पे हैं। और 8 से 10 हजार व्यापारी चुपचाप उनके ऊपर हुआ अन्याय आज तक सहन कर रही है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और मैं चाहता हूं आप चुप ना बैठिए, आप सब साथ में रहिए। हालांकि आज से हमारे इस साउथ मुंबई व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन का यहां से शुरुआत हुई है, धीरे धीरे हम हर व्यापार क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां जहां व्यापारी है दक्षिण मुंबई में नहीं पूरा मुंबई में वहां तक हम जाएंगे और व्यापारियों के ऊपर जो हुआ अन्याय है वो अन्याय दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि व्यापारियों के अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं, वो भी हम उसकी कोशिश करेंगे, और अच्छे दिन आने के लिए आप भी हमें सहयोग देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इधर यहाँ पे जो स्टेज पे बैठे हुए सब मंत्री गण हैं, शिवसेना के कुछ कार्यकारी या अधिकारी हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं शिवसेना के, और जो यहाँ आ रहे के जो व्यापारी लोग हैं, मैं यहाँ आके 2 बरस होने को आया। यहाँ के सब व्यापारियों को मैंने बहुत नजदीक से पहचानता हूँ, क्योंकि मैं ये एरिया में कम से कम 6 बरस, इससे पहला भी मैं एटीएस में साउथ बॉम्बे का इंचार्ज था। इसके वजह से ये एरिया के बहुत से लोगों को मैं पहले से पहचानता हूँ और ये एरिया से बहुत वाकिफ हूँ। मैंने ये आने के बाद भी मैंने बहुत से लोगों को कुछ तकलीफ है, ऐसा कोई भी यहाँ के व्यापारी बोले कि तकलीफ है और उनको मदद नहीं की, ऐसा बोल नहीं सकता। जो अभी मैं मंच पर बैठे हुए कुछ लोगों ने अभी मैंने बातें सुनी, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि व्यापारी लोगों को कुछ तकलीफ है। बहुत से लोग बिना नाम लिखे एप्लीकेशन करते, वेग एप्लीकेशन करते, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। पुलिस को उस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सामने आकर कंप्लेंट देने वाले चाहिए। इस तरह का नहीं कि खाली वेग अननोन पर्सन कंप्लेंट करता है, उसके बाद भी हमने जिनके जिनके साइन थे उसमें से कम से बहुत से लोगों को मैंने बुला के कि आपका नाम सीक्रेट रखा जाएगा, आपको जो कंप्लेंट है, जो तकलीफ है आप बताओ, आपकी पूरी जवाबदारी हमारी रहेंगे करके हमने बताया था। लेकिन कोई भी आदमी अभी तक सामने नहीं आया। हम चाहते हमारे
यहाँ पे जो हमारे मार्ग प्रोडक्शन में जो मेरी यहाँ पे मेरे को सीनियर पे आकर के भेजे, उसका रीजन ये था कि मैं कुछ यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ये एरिया में, और उसकी मैं अच्छी तरह से सुरक्षा करूँ और लोगों को अच्छी तरह से सर्विस सबसे मिल जाए, और मैं मुझे लगता है मैं उसमें कुछ भी कमी नहीं पड़ सकता हूँ। आपको कुछ भी तकलीफ है एनी टाइम 24 घंटे कभी भी आ सकते हैं। मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर मेरा नंबर लिखा हुआ है, और इतना ही नहीं मैंने मेरे पुलिस स्टेशन के बाहर ये भी हर एक ऑफिस के बाहर पासपोर्ट ऑफिस के बाहर भी लिखा है कि यहाँ फ्री सर्विस दिया जाता है, देखो आप जाकर पढ़ो। और मेरे को लगता है व्यापारी लोगों की भी मेरे ख्याल से 50-60% लोगों के पास मेरा नंबर है। तो मेरे खुद मैं बोलता हूँ आपको, आपको कुछ नहीं तकलीफ है, आप आके हमें मदद मांग सकते हैं, आके कंप्लेंट कर सकते हैं। हम हमारा ये काम ही है, हम आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, हमें जो तनख्वाह इसी काम की मिलती है कि जो कानून काम करे, लेकिन इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो आप आके तकरार कंप्लेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से 1000% मदद करेंगे, और जो भी कानून नहीं करेंगे ये हम लोग वादा करते हैं। हम जब तक है भैया यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप कोई भी तकरार देने के नहीं आते, खाली लिखना भी कंप्लेंट करते हैं ऐसा हो गया वैसा, आपस में बात मत करो। इस बात में जब तक आप कंप्लेंट नहीं करें तब तक हमारे हाथ बंधे होते हुए रहते, हम खुद नहीं कर सकते। तो हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, या और यहाँ के व्यापारी की और एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ आने जाने के लिए रास्ता छोड़े। यहाँ के बहुत से लोग यहाँ रहते भी है, मुझे आया तब से बहुत बड़ा महसूस खराब लगता है कि यहाँ पे लोग रास्ता नहीं छोड़ते, आने जाने के लिए गाड़ी नहीं छोड़ते, बीच में गाड़ी पार्क करते हैं। यहाँ पे बहुत से बूढ़े लोग रहते हैं, बहुत से औरत लोग रहते हैं, जेंट्स लोग रहते हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी उसको हॉस्पिटल जाना रहता है, किसी को अटैक आ गया उसको हॉस्पिटल जाना रहता है, इस तरह से रुकआउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के बहुत से लोगों के मैंने बार बार बोलने के बाद में रास्ता खुला नहीं रखता, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ से बाहर जाने के लिए आने के लिए रास्ता खुला रखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जब भी तकलीफ होती है तो लोगों को शिवसेना ही याद आती है, क्योंकि शिवसेना कार्य ही उस तरह का करती है, शिवसेना काम इस ढंग से करती है, शिवसेना एक परिंदा बन के काम करती है, और परिंदा बन के जब वो लोगों के बीच में जाती है तो परिंदा कभी तासुब नहीं देखते हैं, परिंदों ने कभी तासुब ही नहीं देखी, कभी मंदिर पर जाकर बैठे तो कभी मस्जिद पर, तो ऐसा परिंदिर पे और मस्जिद पे बैठने का काम कोई भी है, सभी लोग हमारे यही समझते हैं, शिवसेना काम आज तक करते आई है। और मैं इतना ही कहूंगा, आज सब जमाने मैदान हुई, सब जमात खड़ी हुई होगी, सब लोग नमाज पढ़ने गए हैं, शायद अभी बहुत सारे लोग आए हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ की नगर सेविका हमारी शिवसेना की है, हमारी सुजाता बयान यहाँ की नगर सेविका, पहले हमारे गणेश जी थे गणेश स्थान। हम लोग ने कभी ये नहीं देखा है कि सामने कौन है, क्योंकि हमको हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने और हमारे पक्ष के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी ने यही सिखाया है कि बस आपको चुन कर दिया है, फिर आपको वोट किसने दिया है वो मत गिनो, आप सभी के नगर सेवक हो, आप सभी के MLA हो, आप सभी के MP हो, जिसने आपको चुन कर दिया फिर आपको भेदभाव नहीं करना। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर शिवसेना का नगर सेवक है, शिवसेना का MP है, बीच की खाली एक जगह पाकी है, हो सकता है कि 2019 में ये जगह भी आप पूरी भरोगे और यहाँ का नगर सेवक MLA और MP तीनों शिवसेना के रहेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये काम जरूर करोगे, क्योंकि आज का मुसलमान, आज का मेरा मुस्लिम युवा शिवसेना की तरफ बढ़ते जा रहा है, उनको मालूम है कि शिवसेना सिर्फ बातें नहीं करती है, तो शिवसेना काम करके दिखाती है। आप लोगों ने जो हमारे ऊपर विश्वास रखा, यहां पर बुलाया, और जो आप लोगों ने दिल में रखा है कि हमको किसी की तकलीफ यहां पर नहीं होनी चाहिए, मैं आपको वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं, यहां पर हमारा MP है जो MP एक ही है इस महाराष्ट्र से, ऐसा MP है जो शेर की आवाज वहां सदन में घुमाता है, लोकसभा में जाओ तो आवाज अगर घूमती है शिवसेना की तो अरविंद सावंत और वो हमारे यहाँ की MP है, वो बड़ी फक्र की चीज। और भाइयों बहनों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जो आज हमारे से जो उम्मीद रखी है कि यही इस काम में, पहले तो हमें ये सब बातें हमारे पे की जाती थी, पर आज लोगों को इतना मालूम है कि अगर तकलीफ होती है तो बचाने वाला कौन है, तो शिवसेना है, शिवसैनिक, और शिवसैनिक दिल से आता है, कभी पैसे से नहीं आता है। आज हर मुसलमान, हर युवा, वो दूसरी पार्टी छोड़ दो, उनको यही लगता है भले शिवसेना है
तो शिवसेना को ही वोट देना चाहिए, कम से कम ये लोग मुंह पे बोलते हैं, पीछे से वार तो नहीं करते हैं। शिवसेना वाले मुंह पे बोलते हैं, सामने से वार करते हैं, पीछे से वार नहीं करते। और इसलिए आप लोग ने जो विश्वास रखा है और जो आपको हमारे से जो उम्मीद है वो उम्मीद जरूर पूरी होगी। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ के जो व्यापारी है, जैसे कि अभी हमने सुना कि मैं जब यहाँ पर आया और मैं बैठा तो मैंने देखा कि यहाँ के हमारे सीनियर साहब बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप खुद ठीक रहो, फिर आपको दूसरा कोई अगर तकलीफ देने वाला होगा तो उसको हम ठीक करेंगे। वैसे मैं आपको कहूंगा कि बीएमसी में भी अगर बीएमसी का कोई ऑफिसर आपके यहां पर आके तंग करता है और कुछ तंग करने की कोशिश भी करता है आपको और आप सही हो तो जरूर आप हमें आवाज दीजिए, हमारी बहन को आवाज दीजिए, शिवसेना पूरी ताकत के साथ में आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके साथ खड़ी रहेगी, नहीं बल्कि उस अफसर का क्या बंदोबस्त करना है वो भी हम कर लेंगे, क्योंकि आपके सबके आशीर्वाद से मुझे हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी, हमारे युवा सेना प्रमुख आदित्य जी ठाकरे जी, इन्होंने अभी महानगर पालिका सभागृह का नेता करके मुझे काम करने का मौका दिया है और मुझे मालूम है ये काम करते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर ये जिम्मेदारी निभाना कैसी कैसी निभानी है वो भी हमको माननीय हमारे शिवसेना प्रमुख जी ने सिखाई है। और निभाते वक्त हम यही जानते हैं, यही समझते हैं कि जो प्रेम से, मुझे मालूम है कि आप लोग छोटे छोटे धंधे लेकर यहां पर बैठे हो, क्या कमाते होंगे दिन में, क्या कमाई होती होगी, पर वो कमाई से में से भी जब कोई खींच के चला लेके जाता है और तकलीफ देता है तब लगता है कि अरे हमें कोई तो साथ देने वाला चाहिए। पहला मुझे आपको यह बताना है कि खुद के मन में अगर चोरी है तुम्हारे तो वो चोरी पर निकाल दो। मैं कुछ कम कर रहा हूं, मैं कुछ चोरी कर रहा हूं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मेरे से गलत हो रहा है, ये मत सोचो। तुम ये दिल से सोचो कि मैं सही कर रहा हूं, हम लोग सही ढंग से धंधा कर रहे हैं और जब सही ढंग से धंधा कर रहे हैं तो किसी की ताकत नहीं है तुम्हारे पास आके तुमको नड़ने की, किसी की ताकत नहीं है। इसलिए पहले आप में सुधार लाओ, खुद में सुधार लाओ और फिर बाकी जो है खामखा अगर तुमको कोई तकलीफ यहां पर देता है और तकलीफ देने की कोशिश करेगा तो उसको निपटने का काम जरूर करेंगे। आज शिवसेना की तरफ से ये व्यापारी संगठन का एक पाटिंबा मुसाफिर खाने की तरफ दिया गया है। यहाँ ये मुसाफिर खाना सदियों से पुराना है और यहाँ पर व्यापारियों को कई किस्म की तकलीफें दी जाती रही है और कई लोग बाहर से हफ्ता वसूली करना, कई सेल टैक्स के नाम पर उनको डराना, कई बीएमसी के इंक्रूजमेंट के नाम पर डराना। आज इसी सिलसिले में एक कार्यक्रम मुसाफिर खाने में किया गया है। हमारे साथ में है सभागृह नेता यशवंत यादव जी, से हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके का पाटिंबा इनको देंगे और किस तरीके का इनको सपोर्ट करेंगे। यशवंत जी बताइए आप। देखिए कैसा है कि पहले से ही जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है वहाँ पर शिवसेना डट के खड़ी हो जाती है और शिवसेना के तरफ जो लोगों का देखना है वो ये अलग विश्वास के साथ में है। एक अलग विश्वास है शिवसेना के ऊपर कि अगर कुछ भी तकलीफ है और कुछ भी कुछ गलत हो रहा था अगर उसमें से हमें कोई बचाने वाला है तो कोई दूसरी पार्टी नहीं, वो एक ही पार्टी है, उसका नाम है शिवसेना। और ये माननीय हमारे शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी ने पहले से ही हमको बताया है कि हम लोग जब काम करते हैं तो काम करते वक्त कोई जाति मजहब नहीं देखते, हम यही देखते हैं एक परिंदे की तरह काम करते रहो। तुमको इंक्रूजमेंट के नाम पर काफी लोगों को सताया जाता है, जैसे बीएमसी में आप आओ और बीएमसी के अधिकारी, जैसे इनका हफ्ता चालू हो जाता है इनको इनकी तकलीफें दूर हो जाती है, व्यापारी हफ्ता दिया तो इंक्रूजमेंट नहीं होगा, ऐसा क्यों? कैसा है कि यहाँ पर अब तक कैसे था कि 2014 तक जो राज्य शासन है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, जिनकी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त से ये तकलीफ शुरू होती आ रही है। आज पब्लिक को मालूम पड़ा है कि हमको बचाने वाला अगर कोई है
तो शिवसेना है और एक विश्वास के साथ में शिवसेना एक पास ही आया और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने पहले ही यहाँ के व्यापारी भाइयों बहनों को सभी को यही बोला है कि आप लोग अपनी जगह पे सही रहो, आप लोग खुद को चोर मत समझो, तो चोरों की नज़र से दूसरा कोई आपकी तरफ देखेगा नहीं और आपको जो तकलीफ देना जो चाहते हैं वो देगे नहीं। इसलिए खुद को पहला, हम कुछ कम कर रहे हैं, हम कुछ तो हमारे हाथों से चोरी हो रही है ये मत सोचो। खूब जब अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छे काम करते हो, क्योंकि आपको किसी ने तकलीफ दी, फिर भले वो बीएमसी के अफसर हो, भले वो पुलिस वाले हो और कोई भी प्राधिकरण के कोई भी अधिकारी हो, अगर ऐसे कोई लोग रहेंगे और हमारे पास उसकी बात आप करेंगे तो ज़रूर हम उसका इंतजाम करने के लिए बैठे। भाई भी है कि जीएसटी बिल जैसे आ रहा है तो उसके लिए भी कुछ व्यापारी कारोबार पर भी असर पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो कारोबार करने वाले लोग हैं ये छोटे पैमाने पर करने वाले लोग हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर करने वाले लोग नहीं। और जीएसटी जो आया हुआ है तो जीएसटी आते वक्त किसी भी व्यापारी को, किसी भी लोगों को उसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसका पूरा पूरा ध्यान शिवसेना के हमारे आमदार, शिवसेना के हमारे लोग हाउस में देख रहे हैं, सेंट्रल में भी हमारे जो एमपी बैठे हैं वो सब देख रहे हैं, वो पूरा देख कर उन्होंने ये फैसले के साथ में रहेंगे जिसमें इन लोगों की उस ढंग की तकलीफ नहीं होगी जिससे जैसे ये लोग सोच रहे हैं। सतपाल जी जो शिवसेना के गद्दावर नेता रहे हैं, इनका एक टाइम में तूती बोली जाती थी, आज नगर सेविका भी है हमारे साथ में मौजूद, हम इनके भी विचार जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके का इन लोगों को सपोर्ट करेंगे। सतपाल जी आप किस तरीके का व्यापारियों की यहाँ पे काफ़ी परेशानी है, शुरू से झेलते आ रहे हैं वो, इसके लिए सबसे पहले मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा तो व्यापारियों को ठहरा। अभी सब व्यापारी इकट्ठा आ गए, मैं यही चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि व्यापारी इकट्ठा रहना चाहिए। यहाँ के अभी जो सीनियर इंस्पेक्टर थे पुलिस, उन्होंने भी अभी कहा कि आपको अगर कोई तकलीफ़ है, अगर आपको लग रहा है कि कोई तकलीफ़ देने के लिए बाहर से कोई आए हैं तो तुरंत उनको फ़ोन करना चाहिए, तुरंत उनको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पुलिस स्टेशन की दूरी है एक मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो व्यापारियों को उन्होंने भी संदेशा दिया है कि आपको अगर ऐसे कोई तकलीफ आए तो हमारे पास आइए, तुरंत उसका हम लोग हल करेंगे। आपने बोल देखा कि यहाँ पे गुप्त तरीके की कंप्लेंट आती है, लोगों में भय इतना है क्योंकि यह इलाका माफियाओं के का गढ़ माना गया है, इस हिसाब से लोगों में भय ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये भय दूर करने के लिए हम आगे आए हैं ना। शिवसेना कभी माफिया से डरी नहीं, शिवसेना कभी बुरे काम से लिए डरे नहीं, और शिवसेना इसीलिए आए है मुस्लिम भाइयों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए यहाँ पे आई है। जो आज तक हमारे मुस्लिम भाइयों के मन में था कि शिवसेना हमें मदद नहीं कर सकती है, सहायता नहीं कर सकती है, उनके मन की जो दुरिया थी, मन में जो एक अविश्वास था वो आज से दूर हो गया, इसलिए व्यापारी संगठन यहाँ पर स्थापित हो गया है। मैं आपको अगर एक बात कह दूं कि आज ही हमारे यहाँ के जो कॉरपोरेटर है श्रीमती सुजाता सानप जी, इन्होंने मुस्लिम भाइयों के लिए यहाँ इनका जो दरगाह है उस दरगाह का एक बहुत बड़ा गेट ये अलहाज पीर सैयद मोहम्मद अली शाह कादरी के नाम पे यहाँ पे बड़ा प्रवेश द्वार जो उनको कहते हैं उसके लिए 15 लाख रुपये का अनुदान उन्होंने सेंक्शन करवाया है। ये किस बात का ये न्योता देता है, ये किस बात का है, इसीलिए कि हम लोग मुसलमान भाइयों के साथ है और आगे भी साथ रहना चाहते हैं। सिर्फ एक ही चाहते हैं हम लोग कि मुसलमान भाई भी हमारे साथ रहना चाहिए, जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज है, जो भी उनकी समस्या है वो हमारे पास आना चाहिए और हम चाहते हैं कि वो दूर करें। हम विश्वास देना चाहते हैं उनको कि आगे भी हम लोग उनका जो भी समस्या परेशानी है वो दूर करेंगे, 100% करेंगे। हमारे साथ में आशाताई मेमड़ी जी है जो इस इलाके में इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजेशन थी और इनकी काफ़ी 3 महीने की मेहनत इन्होंने बताया इस संगठन को तैयार करना, इस कार्यक्रम को तैयारी में लगे रहना 3 महीने लगे, जिसमें क्या क्या दुश्वारी आई, कैसे कैसे लोग इनके सामने आए और किस तरीके का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, हम इनसे आशाताई से जानना चाहेंगे। आशाताई जी बताइए, कार्यक्रम आपने बताया 3 महीने लग गए इस छोटे से कार्यक्रम को तैयारी करने में और संगठन व्यापारियों को साथ में लाने में, आप किस तरीके की दुश्वारियाँ? एक पक्ष का संगठन और व्यापारियों का संगठन, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि पक्ष ऐसा होता है कि वो प्यार से प्रेम के प्रति वो ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन जब व्यापारियों में हम लोग जब घूमे तभी उनके मन में एक थोड़ा डर सा था, वो बोल नहीं पा रहे, उनका ऐसा था कि कोई बाहर से पुलिस आते हैं पैसे लेकर जाते हैं, अभी हमारा धंधा कुछ थोड़ा बहुत बाहर आ है जो आना जाना है, तो उसके ऊपर उनकी बहुत लिमिटेशंस है उनको,
और वो लिमिटेशंस में कहीं ना कहीं उनका हाथ थोड़ा सा फंसा हुआ है, तो उनको डर ऐसा है कि हम लोग अगर इसको ज़्यादा ये करेंगे तो बाहर निकालेंगे तो इस समस्या को आप किस तरीके से हल करेंगे व्यापारियों के मन में? अभी इनको तो पहले हमने बोला है कि पुलिस आपके लिए, आपके कोई भी प्रश्न के लिए खड़ी है, आधी रात में पुलिस भी खड़ी है, और पुलिसों ने भी हमको ACP है, DCP है और यहाँ के सीनियर है, इन्होंने विश्वास दिलाया है कि हमारे पास कंप्लेंट तो लेकर आए कि चुपचाप कंप्लेंट देने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, अगर कंप्लेंट आए तो उसको हाँ भी मार्केट है तो थोड़ा बहुत होता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो हमारे अभी सभागृह नेता है, नगर सेविका है, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ सोल्यूशन निकालेंगे जिससे व्यापारियों को भी तकलीफ ना हो और यहाँ पे रहने वाले रहवासियों को भी ना हो। व्यापारी सेना के प्रेसिडेंट चिंटू भाई हमारे साथ में, हम इनसे जानना चाहेंगे ये संगठन किस तरीके का काम कर रहा है। चिंटू भाई बताएंगे आप कि आपका संगठन किस तरीके का काम कर रहा है, व्यापारियों को क्या संरक्षण दे रहा है? देखिए शिवसेना प्रणित शिव व्यापारी सेना पूरे महाराष्ट्र भर में व्यापारी पे होने वाला तकलीफ है, जो भी समस्या है उसका हल है। आज मुझे साउथ मुंबई व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने बुलाया यहाँ, तो उनकी तकलीफ जो है, जो भी आता है हफ्ता वसूली करता है, जो भी हम लोग कॉपीराइट या पायरेसी के बारे में सपोर्ट नहीं कर रहे, मगर ये जो इलीगल काम हो रहा है हफ्ता वसूली का, तो आज हमने नारा लगाया कि आज के बाद हफ्ता बंद। हमारे साथ अशरफ भाई लखानी साहब और उनका ग्रुप हमारे साथ यहाँ ज्वाइंट हुआ है, और जितने भी व्यापारी है, जैसे महाराष्ट्र भर हम लोग सभासद बना रहे हैं, उनको मेंबर बना रहे हैं, वैसा इधर भी मेंबर बनाएंगे। जो भी कुछ हफ्ता वसूली है वो ताबड़तोड़ बंद होना चाहिए, वही मैंने कहा आज से बंद, कल से कोई दिखाना नहीं चाहिए, और दिखेगा हमारे ऊपर जब कार्रवाई करनी, हम गलत है, हमारे व्यापारी गलत है, तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन ने कायदा है, आप जाइए वो एक्शन लीजिए, हमारे पुलिस हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है, मगर जो बाहर के लोग आते हैं टपोरी सपोरी और जो हफ्ता वसूली तोड़ पानी के लिए आते हैं, उनको तोड़े बिना रहेंगे नहीं, यही हमारे नारा लगाया हमने। इस तरीके का देखा क्या, बहुत सारी संगठन काम करती है इस तरीके का नारा देती है, फिर वही संगठन हफ्ता वसूली करती है? हमारी संगठन अलग है, हमारी संगठन माननीय बाला साहब का आशीर्वाद, उद्धव साहब का आशीर्वाद है, शिवसेना की है, पहली पॉलिटिकल व्यापारी संगठन है, और जिस तरीके से लोग हमको ज्वाइंट हो रहे और हम जितना उनका प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, उनकी समस्या सॉल्व कर रहे हैं, आज नासिक हुआ, नागपुर हुआ, थाना हुआ, भिवंडी हुआ, पूरे महाराष्ट्र में एक व्यापारियों का विश्वास हम जीत रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई आदमी गलती करेगा, और मैं पूरे विश्वास से बोलता हूँ कि ये संगठन इतनी मजबूत करूँगा कि व्यापारियों के होने वाले जो भी परेशानी हो उसका हल करूँगा। आज ये व्यापारी संगठन के अशरफ भाई भी इनके साथ ज्वाइंट हुए, इनका ज्वाइंट होने का क्या मकसद था, हम इनसे जानना चाहेंगे। ये एरिया में बहुत अनलीगल एक्टिविटी हो रही थी, और हम लोग को बहुत परेशानी थी, जो हमारे जनाब चिंटू भाई ने जो साथ दिया, और इसके साथ की वजह हम लोग पूरे इस तरीके की परेशानी, लोग ये हफ्ता वसूली थी, गुंडागर्दी, तो कुछ व्यापारी गलत करते होंगे तो हफ्ता गलत का ये मतलब ये नहीं कि कोई भी आदमी आके इसके पुलिस के नाम से हफ्ता मांगे, हम लोग जाने कंपनी हमारे पे एक्शन ले, पुलिस एक्शन ले सकती, लेकिन ये गुंडा तत्व जो है, गुंडे लोग हमारे पे पैसा मांगते है, हफ्ता वसूली करते, मारा मारी करते, ये वजह से हम लोग परेशान थे। आज पूरे हम पूरा मुसाफिर खाने के पूरे आदमी लोग सीनियर साहब के पास जाके पूरी कंप्लेंट देंगे, और जो भी कानूनी कार्रवाई हो हम लोग इसमें सपोर्ट करेंगे। आपका व्यापारी संगठन इनसे क्यों ज्वाइंट हुआ, क्या वजह थी, क्या आप यहाँ कमजोर पड़ रहे थे? कमजोर तो इसलिए पड़ रहे थे कि हम लोग पहले अकेले थे, अभी हम लोग पूरे साथ में हो गए, अब साथ में मिलकर हम लोग लड़ेंगे पूरे। ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.3starnews.in। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज 3 स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए।